सर आज इमरान खान साहब का चकवाल में जलसा होने जा रहा है, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? इस बारे में जी चकवाल तो आज बारी आई है, लेकिन पूरा पाकिस्तान निकले हुए बाहर इमरान खान के साथ इस जो आज़ादी की तारीख के लिए। आज़ादी 47 में मिली थी, या इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी अब मिलेगी। आज एहलियान चकवाल, बच्चे, ख्वातीन, बूढ़े सारे इमरान खान के साथ हैं, और इंशाल्लाह याम सर साहब ने इस्तकबाल किए 3 बजे चकवाल के मकाम पर भवन चौक में। इंशाल्लाह उनके दस्ते रास्त तहरीके इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जनाब असद उमर साहब का फकीदुल बयान इंशाल्लाह होगा इस्तकबाल, और वहाँ खान साहब वीडियो लिंक तकरीर भी फरमाएंगे इंशाल्लाह। सर इमरान खान पर ये जो झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, इस वजह से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो हक है वो कभी दबा नहीं है इनका। इनकी रवश आप 85 से ले लें, ये झूठ को सच कर दिखाते हैं और सच को झूठ बना देते हैं इंशाल्लाह। लेकिन अब इंशाल्लाह यहाँ की आवाम को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि यहाँ की आवाम अब इनके कहने पर नहीं आएगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह उन्हें कहें कि आए दोनों भाई खड़ा होकर इमरान खान का मुकाबला करें इंशाल्लाह। सर ये इमरान खान साहब ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इनसे फ़ायदा वो हासिल कर सकेंगे? एक फ़ायदा तो हो गया है कि पूरा मुल्क इमरान खान के साथ बाहर निकला है, तो इंशाल्लाह अगला फ़ायदा भी ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर पर ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।